स्क्रीन सबके सामने आ रही है। चलें जी, तो कल क्या काम किया था हम लोगों ने? कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमारी डायमेंशंस काम करती हैं हमारे एरेज के अंदर और हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उसमें से मोस्टली लोग जो थे वो ऑफ पर थे, तो किसी को आइडिया नहीं होगा कि डायमेंशंस किस तरह से काम करती हैं। बट आप लोग वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं उसको एक पूरी क्लास ले जाएगा अगर मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर दिया। तो अपनी वीडियो देखनी है, उसके बाद हम लोग उस पर दोबारा काम करेंगे। अभी मैं क्या काम कर रहा हूँ, अभी मैं आके यहाँ पे आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, और वो है हमारे पास हमारा मैथ ऑब्जेक्ट्स। हमने मैथ ऑब्जेक्ट्स को पहले देखा नहीं है, बस मैंने तो आपको थोड़ा सा उसका बताया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास यहाँ पे आके। ठीक है, तो हम लोग ज़रा अब अपना मैथ ऑब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और मैं खोल रहा हूँ मेरी डी, और कौन सा बैच है हमारा 19 बैच, और इसके अंदर जे एस आ जाएगी हमारी, और इसके अंदर मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ये कुछ सीन है हमारे पास यहाँ पे, जितनी भी चीज़ें हमारे पास, ये थी हमारी डायमेंशंस। के डायमेंशंस मेनली क्या चीज़ थी, मैं आपको थोड़ा सा बस आइडिया दे दूँ कि हमने नेस्टिंग के बारे में बात की थी लिस्ट के अंदर जाके, कि नेस्टिंग क्या चीज़ होती है हमारे पास। एक लिस्ट के अंदर आपने कोई और चीज़ अगर कोई और लिस्ट ऐड कर दी, वो नेस्ट हो गई है अपने पेरेंट के अंदर। ठीक है, उसके अंदर दोबारा आपने कोई और एक लिस्ट ऐड कर दी तो वो और नेस्ट हो चुकी है। डायमेंशंस हमारे पास जेएस के अंदर कुछ उसी तरह का काम करती हैं। अगर आपने अपना एक एरे बनाया हुआ है, एरे के अंदर कोई और अगर एरे आ जाता है और उसके अंदर कोई और एरे आ जाता है, तो वो उसकी तीन डायमेंशंस बन जाती है, मल्टी डायमेंशनल एरे हो जाएगा हमारे पास हो जाके। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या काम करते हैं, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट आ गया और उसके अंदर कोई और ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हमने ये सारा काम कल के दिन में देखा था कि जैसे आप इस चीज़ को देखो, ये हमारे पास एक तरह का ऑब्जेक्ट है माई यूज़र्स के नाम से। अब माई यूज़र्स के अंदर जो मेरा पहला यूज़र है वो क्या काम कर रहा है, उसका नाम है अरहम, उसकी एज है 25 साल, उसके बहन भाई हैं 5, और उसका रोल क्या है कि वो एक डेवलपर है, उसकी सैलरी 40,000 है। वो जॉब कहाँ पे कर रहा है, वो गूगल में जॉब कर रहा है। ठीक है, गूगल कंपनी में वो जॉब कर रहा है। यहाँ पे आके क्या सीन है, उस ये हमारा एक एरे हो गया। देखो ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके अंदर हमने क्या काम किया, एरे डाल दिया एक की के तौर पर। ठीक है, जब हमने ये चीज़ ऐड कर दी है ले आए, थैंक यू, जब हमने ये चीज़ ऐड कर दी है, उसके बाद उस एरे के अंदर हमने एक और एरे अपना ऐड कर दिया, और वो क्या था हमारे पास कि जो उसकी 40,000 सैलरी है उसमें से वो 40,000 जो 40,000 उसकी सैलरी होगी, 10,000 वो देते हैं अपना टैक्स यहाँ पे आके। हमने क्या काम किया, हमने किसी तरह से इस चीज़ को अगर एक्सेस करना था तो हमने वो किस तरह से कर सकते थे, ये हमने देखा। और उसके बाद जो हमने अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट बन गया, रोल ऑफ बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इस बार हमने अपना एक और यूज़र बनाया अब्दुल हन्नान के नाम से, एक ऑब्जेक्ट है पेरेंट ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, और इसकी भी एज ये है, और ये क्या काम कर रहा है, ये इसका रोल है बैकएंड का डेवलपर। तो इनको हमने किस तरह से एक्सेस किया, माई यूज़र्स, पहले तो मेरा ऑब्जेक्ट आ गया माई यूज़र्स, डॉट करके उसके अंदर की कीज़ को एक्सेस किया जा सकता है। मैंने बोला माई यूज़र्स डॉट रोल बाय ऑब्जेक्ट, जो कि ये वाली की है। जब ये एक्सेस होगी, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर वाली एक स्पेसिफिक की मैंने एक्सेस की नेम, कि मेरे जो दूसरा यूज़र आ रहा है वो उसका मुझे नाम आप दे दो, तो वो उसने मुझे दे दिया। यहाँ पे आके क्या नाम था उसका, उसका नाम था नेम अब्दुल हन्नान। तो ये इसने कुछ इस तरह का मेरा प्रॉपर काम किया यहाँ पे आके। ठीक है, कि हमारी डायमेंशन होती हैं एक ऑब्जेक्ट की। अब आज का जो मेनली हमारा काम है वो है हमारे पास हमारे मैथ के ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग ज़रा उसको स्टार्ट करते हैं। चलें जी, तो इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, और यहाँ पे आके मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपना एक नया फाइल बना रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ मेरे math.js के नाम से। ठीक है, math.js के नाम से हमने अपनी एक फाइल रख दी है, और इसका मैं कर रहा हूँ सिंपली फिलहाल console.log, और मेरा मैथ ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से, और index.html के अंदर आऊँगा मैं, और इसके अंदर मैं अपना स्क्रिप्ट का एक टैग ऐड करूँगा, स्क्रिप्ट कॉलन /, किसको, math.js को। बाकी सब चीज़ों को हम लोग कमेंट करते हैं, सिर्फ math.js को हम लोग टारगेट करेंगे। इंटरनेट नहीं आ रहा मिस, मैंने क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी बट इंटरनेट नहीं आ रहा। ठीक है, गो लाइव के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पे आके, और जरा इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आके काम हुआ। मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ तो कंसोल में हमारे पास मैथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब हमारा ठीक बिल्कुल ठीक ठाक काम हो रहा है यहाँ तक आके। चलें जी, इसको बंद करते हैं अब हम लोग आके यहाँ पे, और इसको भी ख़त्म करता हूँ मैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आके अपनी एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका मैं काम नाम कर रहा हूँ लेट m इज इक्वल्स टू मेरा मैथ। ठीक है, लेट m इज इक्वल्स मैंने किया यहाँ पे आके मेरा मैथ, और अगर मैं console.log करता हूँ मेरा ये m का वेरिएबल आके। ठीक है, ब्राउजर में आएंगे अगर आप लोग, तो आप लोग यहाँ पे आके जरा चेक करेंगे इस चीज़ को, हमारे पास वो सारा का सारा मैथ शो करवा रहा है कि मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या हमारे पास चीज़ें होती हैं। ठीक है,
मैथ के अंदर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ कह रहा हूँ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और कुछ हमारे पास पास मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग फंक्शंस बोलते हैं, मेरी बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, और ये वो सारे फंक्शन जो कि हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं अपने मैथ्स के अंदर, सारे के सारे वो वाले फंक्शन होने वाले हैं यहाँ पे आके। ठीक है, किस तरह से आ जाए ज़्यादा इधर, तो एक तो सबसे पहले हम लोग इसे कॉन्स्टेंट को देखते हैं। मैं यहाँ पे आके कर रहा हूँ ज़रा अपना मैथ कॉन्स्टेंट्स के नाम से एक कमेंट, मैथ कॉन्स्टेंट्स, और इसको हमने किया कमेंट आकर यहाँ पे। ठीक है, मैथ कॉन्स्टेंट्स हो गए, और इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, इसके बाद मैं अपना ये उठा रहा हूँ यहाँ पे, इनको मैं उठा के कॉपी कर रहा हूँ बस, क्योंकि ये हमारे पास पहले उसने दिए, हम लोग जो है इनको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। सभी को जो है मैं करूँगा कमेंट कुछ इस तरह से। अब ये जो फर्स्ट वाला कॉन्टेंट है ई वाला, ये हमारे पास मेनली एक तरह का आयलर्स कांस्टेंट है, आयलर्स कांस्टेंट्स को बोलते हैं, शायद आप लोगों ने अपनी इंटर की मैथ में पढ़ा हो, नहीं था इंटर की, मैं इंटर की मैथ में मैं तो भूल चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें शायद था, लेकिन मैं ये मैं आपको बता दूँ, मेरी ये एक तरह जो हमारे पास एक अगर नंबर है ना, उसका सारा एक सारा पावर हमें बता देता है, उसका मेथड बता देता है कि ये अपना इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया गया सारा हमारा। ठीक है, आयलर्स कांस्टेंट हमारा ये होता है, और इसकी जो प्रॉपर वैल्यू है वो कुछ ये होती है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हाँ, ये साइंटिस्ट थे और जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने डिस्कवर किया था, जैसे न्यूटन ने फिजिक्स को तो ना उसको डिस्कवर किया था। कोड में कहाँ से आया है, कोड में देख कॉन्स्टेंट से ज़्यादा हमारे यूज़ नहीं होना है। ठीक है, मैथ ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे पास ये आया, मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो फंक्शंस है ना उन्होंने हमारे पास यूज़ होना है। बट मैं आपको थोड़ा सा बस आइडिया दे रहा हूँ कि कॉन्स्टेंट्स हैं क्या चीज़ें, ये बिल्ट इन है पहले से। जैसे हमारे पास जो था वो ग्रेविटेशन का जी जो कॉन्स्टेंट था, याद है किसको उसकी वैल्यू, 9.8 कुछ यही था, कुछ इस तरह का था। तो इसे के जो कॉन्स्टेंट्स है ना हमारे पास, वो यहाँ पे आके कुछ हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। आशा आप जितना मुझे बता रही हो ना, आपकी पेनल्टी है आप पे, देख लेना। अच्छा जी, तो यहाँ आते हैं हम लोग, और मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपना ये एक कंसोल डॉट लॉग करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। कंसोल डॉट लॉग करते हैं यहाँ पे आके, और उसके बाद जो है मैं इसको ऐड करता हूँ, मेरा मैथ एम, मैथ नहीं करूँगा मैं, मेरा एम करूँगा क्योंकि एम मेरे वेरिएबल का नाम है। मैथ डॉट अगर मैं करता हूँ आके मेरा ई, कुछ ये मैथ्स कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास यहाँ पे आके। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाऊं, तो ये आप चेक करेंगे, ये हमारे पास प्रॉपर उसने दिया हुआ है यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है। हमारे पास एक पाई होता था, पाई किसी को याद, 3.14 होता था, जो 3.14 होता था हमारे पास। ठीक है, तो उसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको कंट्रोल डी करके एम डॉट पाई करता हूँ, हमारे पास एक पाई के नाम से चीज़ है, अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके दिखाऊं तो आएगा हमारे पास कुछ ये। ठीक है, 3.14 आ रहा है हमारे पास यहाँ पे। तो इस तरह की डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स है, बट हमें कॉन्स्टेंट्स की ज़्यादा यहाँ पे आके जो है ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें जो ज़रूरत है यहाँ पे आके मेनली वो है हमें इसके मेथड्स की, इसके जो फंक्शंस है मेनली हमारे पास हमें उसकी ज़रूरत है। तो इनको तो मैं फ़िलहाल के लिए कर रहा हूँ कमेंट, बट मैं आऊँगा यहाँ पे और मैं करूँगा मैथ फंक्शंस कुछ ये। अब लेट्स सपोज हमारे पास, हमें इनका आइडिया नहीं है, तो आप लोग प्रॉपर क्या काम कर सकते हो, अपना मैथ, अपने जो आपका मैथ का ऑब्जेक्ट है उसको कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो, और ये आपको बता देगा आपके सारे के सारे मेथड्स जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर रहकर। आई थिंक वो होकर आ गया मिस, होके नहीं आयो, चलें जी यार स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये तो चलता ही रहता है। अच्छा जी, मैथ फंक्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे आके। अब ये हमारे पास जो डिफरेंट मैथ के फंक्शंस पड़े हुए हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अपना एक वेरिएबल बता रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल्स टू करके मेरा 12, लेट ए इज इक्वल्स टू करके मैंने मेरा आकर 12, और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं मेरा m, मेरा मैथ का ऑब्जेक्ट था मैथ m डॉट करके। अब ये हमारे पास नीचे डिफरेंट फंक्शंस है जो कि हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस आए हुए हैं। अब आ जाओ ज़रा यहाँ पे और मैं इसको जो है लेट 12 मैंने किया 12, और एक और वेरिएबल था मैं बना रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ मेरा बी 12 point, इसको मैं कर देता हूँ 3। ठीक है, एक 12 है और एक 12.3 है, इसको मैं 13 कर देता हूँ यार, 13.3 ही कर लो ताकि वैल्यूज हमारी मैच ना करें। ठीक है, अगर मैं m डॉट करके इसको राउंड करता हूँ ना, ठीक है
राउंड हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, और मैं किसको राउंड करना चाह रहा हूँ, मैं राउंड करना चाह रहा हूँ मेरे बी को, बी का जो मेरा वेरिएबल था मैं उसको राउंड कर रहा हूँ यहाँ पे आके। अगर मैं इसको कंट्रोलाइज करूँ, बट मैं इसके साथ जो है ना प्रॉपर अपनी एक स्ट्रिंग अटैच करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं लिखूंगा द राउंडेड वैल्यू, द राउंडेड वैल्यू ऑफ किसकी, मैं करूँगा दो बोलूँगा द राउंडेड वैल्यू ऑफ बी, और मैं बी नहीं करूँगा प्रॉपर उसका वैल्यू दूंगा, बी इज क्या होगी मेरे पास, द राउंडेड वैल्यू ऑफ बी इज मेरा एम डॉट राउंड, और उसको मैं बी पास कर दूंगा यहाँ पे आके। ठीक है, कुछ ये काम हुआ हमारे पास यहाँ पे। अगर मैं अब भी आपको दिखा दूँ यहाँ पे तो आप लोग चेक करेंगे द राउंडेड वैल्यू ऑफ 15.3 इज क्या है, 15 आ चुका है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से होता क्या है, हम लोग किसी भी एलिमेंट की एक राउंड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, शायद हमारे पास आ चुका है इंटरनेट, मेरा वो स्टार्ट हो गया था, मैं दोबारा से इसको एक बार सेट कर लेता हूँ। चलें जी, तो ये कुछ सीन है हमारे पास यहाँ पे, और मैं हाँ अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दूँ जरा सबके साथ। ठीक है, तो ये हमने क्या काम किया, अपनी एक राउंडेड वैल्यू दे दी उसको कि 15 की राउंडेड वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 3 हो जाएगी। अब हमारे पास क्या सीन होता है, हमारे पास कुछ राउंडेड वैल्यूज होती हैं जो कि सील होती हैं, और कुछ राउंडेड वैल्यूज फ्लोर होती हैं हमारे पास। अब ये सील और फ्लोर का क्या मतलब है, मुझे आप लोग बताएंगे कि 16.4 इसकी राउंडेड वैल्यू क्या होगी, 16.9 इसकी 17 हो जाएगी हमारे पास। ऐसे ही है ना, वो चेक करते हैं कि किसके नजदीक है ये, अगर न्यू नंबर के नजदीक है तो वो हमें राउंड करके देते हैं, अगर वो ओल्ड के नजदीक है तो फिर वो हमें वो करके देते हैं। ऐसे ही है, राउंडेड वैल्यू हमारे पास ये होती थी। एग्जैक्टली, अब सीन कुछ ये है यहाँ पे आके हमारे पास, इसी के अंदर मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास फंक्शन होती हैं फ्लोर और सील के नाम से, जो कि चेक करते हैं कि इसको पीछे जाना है राउंड करके या आगे जाना है राउंड करके। अब वो हमारे पास किस तरह से होते हैं, लेट सपोज मैं आकर अपना एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट सी इज इक्वल्स टू, और इधर आकर मैं कर देता हूँ मेरा 25.99 कर देते हैं 25.99। कंसोल डॉट लॉग आकर मैं करता हूँ यहाँ पे आके, कंसोल डॉट लॉग द राउंडेड वैल्यू ऑफ किसकी राउंडेड वैल्यू, मेरे सी की, द राउंडेड वैल्यू ऑफ सी इज क्या होगी वो, मैं करूंगा मेरा m डॉट। अब यहाँ पे आके मैं अपने फ्लोर और सील के फंक्शन को यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप मुझे बताएंगे कि 25.99 क्या बनेगा, 26 हो सकता है हमारे पास ये, बट हमारे पास एक मेथड है फ्लोर के नाम से। मैं m डॉट अगर फ्लोर कर देता हूँ इस चीज़ को, m डॉट फ्लोर, ठीक है, और मैं किसको फ्लोर करना चाहूँ, ये भी मेरी राउंड ही करेगा, बट अब आपने देख रहे कि राउंड किस तरह से करेगा, c को मैं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सी को मैंने उसके अंदर एक फंक्शन के अंदर पास कर दिया हुआ है। सेव करते हैं, ब्राउजर के अंदर आते हैं और चेक करते हैं कि ये दिखाता क्या है हमें, उसने क्या दिखाया मुझे, राउंडेड वैल्यू ऑफ 25.99 इज 25। वो भले ही 26 के नज़दीक थी, बट उसने क्या काम किया, उसको एक पॉइंट पीछे ही लेकर चला गया, वो उसने वो 25 में हमें शो करवा दिया। अब जो हमारे पास मेरी ये जो सील का होता है ना यहाँ पे, सॉरी मैंने फ्लोर लगाया है, जो हमारे पास फ्लोर का मेथड होता है ये हमेशा आपका डिक्रीमेंट करता है, जो उसके ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं ना वो उनको ख़त्म कर देते हैं और आपके एग्जैक्ट नंबर को वो शो करवा देता है यहाँ पे। हमारा जो फ्लोर का मेथड है वो कुछ ये काम करता है। इसी का ऑपोजिट होता है हमारे पास एक सील का मेथड, जो कि कुछ इस तरह का काम करता है। अगर मैं इसको 25.111 करता हूँ तो ये हमारे मुताबिक होना चाहिए 25, पूरा 25 होना चाहिए, ऐसे ही है ना, बट इसको मैं क्या काम करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल डी, और उसके बाद एम डॉट, इस बार इसको मैं करूँगा मेरा सील, इस बार सील कर रहा हूँ। ठीक है, अगर अब आकर मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करूँ और ब्राउजर में आऊँ तो अब इसकी क्या वैल्यू आई है, राउंडेड वैल्यू ऑफ 25.11 इज 26। क्या हुआ, आवाज़ नहीं, ऊपर डायरेक्ट उसकी वैल्यू डाल दें। देखो अब ये चीज़ें, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत क्या है, यहाँ पे आके हमने अपने बनाने या फिर रैंडम नंबर्स अगर हमें जनरेट करने हैं, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी यहाँ पे आके रैंडम नंबर्स की, कि हम लोग रैंडम नंबर्स किस तरह से जनरेट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लॉजिक है कि ये रैंडम नंबर जनरेट करते हैं सिर्फ 0 और 1 के दरमियान में रह के, मतलब पॉइंट में वैल्यू आएगी 0 से ज़्यादा 1 से कम, पॉइंट में वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे आके। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि यार राउंड वैल्यू भी हो और रैंडम नंबर भी जनरेट हो, तो फिर हम लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे उसके साथ जाके।
वरना क्या हो कि अगर हम लोग अपना एक तरह का वो स्नेक गेम बना रहे हैं यहाँ पे आके, और वो पॉइंट में जाके पॉइंट में रैंडम नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, पॉइंट में रैंडम फ्रूट जनरेट हो रहे हैं, प्रॉपर एक फ्रूट जनरेट नहीं हो पा रहा, पॉइंट्स में जनरेट हो पा रहा है, क्या वो काम करेगा हमारा इस तरह से? एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए कि उसको इतना नंबर जनरेट करना है यहाँ इस पॉइंट पे आके। अगर वो पॉइंट्स में आएगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसको कहाँ पर क्या चीज़ जनरेट करनी है, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू होगी। राउंड करके उसको एक प्रॉपर एक वैल्यू मिलेगी कि अच्छा 25 करना है, 26 करना है या 1 करना है उसको। तो इसलिए राउंड हमारे पास वहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, चलें जी। तो ये हमारे पास मैथ डॉट सील होता है, हमारे पास मैथ डॉट फ्लोर होता है। यहाँ पे आके आप लोग इन दोनों में से कोई भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है हमारे पास इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं, हमारे पास एक पावर का एक चीज़ होती है, पावर मेथड, ठीक है, उसको पो कहते हैं हम लोग, POW, पो, ठीक है। अब ये क्या सीन होता है हमारे पास यहाँ पे आके, मैं लिखता हूँ आपके आके द पावर्ड वैल्यू ऑफ, मैं करूँगा मेरा 3 and 2, 3 into 2 मैं करूँगा यहाँ पे आके, 3 into 2 इज कुछ ये द पावर्ड वैल्यू ऑफ 3 into 2 इज क्या, मैं लिखूंगा यहाँ पे आके मेरा m डॉट पो के नाम से एक मेथड है, ठीक है, जो कि पावर हमें बताता है। अगर हम लोग ये करते हैं और ये मेली क्या काम करते हैं, हमसे दो तरह के पैरामीटर्स ले रहा होता है। इसका जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है कि आपने किस एलिमेंट की पावर देनी है, और सेकंड इसका पैरामीटर होता है कि क्या पावर देनी है आपने, ठीक है। तो मैं आके क्या काम करता हूँ, मैं इसको 3 करता हूँ, 3 और कॉमा करके इसको सेकंड इधर 2, तो 3 into 2 क्या होगा, 9, एग्जैक्टली 3 की पावर 9 हो जाएगी हमारे पास। 3 की पावर अगर 2 है तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, पावर वैल्यू ऑफ 3 into 2 इज 9, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोग जो है डिफरेंट एलिमेंट्स का करना चाह रहे हो, लाइक अगर आप चाहते हो कि मैं 6 का करूँ, 6 into 2, या 6 into 2 को छोड़ो, 3 into जो है मैं करता हूँ यहाँ पे आके 5 करते हैं, 5 into, अगर 5 किया जाए तो 5 into 5, 5 into 5, 25, 25 into 5, 125, 125 into 5, 625, 625, 625 into 5 आएगा हमारे पास, आई थिंक 3125 नहीं आएगा शायद, हाँ एग्जैक्ट यार 3125 ही है, ठीक बात कर रहा था मैं, मैथ मेरी भी अच्छी है यार। अच्छा जी, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, और मैंने कहा हम कि इस बार 5 वाले मेथड को टारगेट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। द पावर वैल्यू 5 into 5 इज, उसने हमें प्रॉपर उसका आंसर दे दिया 3125 यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है, एक एलिमेंट की एक एलिमेंट की प्रॉपर उसकी पावर हमें शो करवा देता है यहाँ पे आके। इन फंक्शंस को याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये हमारे पास काम में आते हैं। तो अगर आप इनको चेक करोगे मैथ का, अगर आप अपने मैथ का ऑब्जेक्ट को चेक करो, उसके अंदर आपको ये दिख जाएंगे सारे के सारे। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं कंसोल डायलॉग, जब हमने अपना एम किया था, तो ये चेक करें सारे मेथड उसने हमें नीचे बताए हुए हैं कि कौन कौन से मेथड आप लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इनका हमें मसला नहीं है। अच्छा जी, जब ये चीज़ होगी हमारे पास, अब मैं आके अपना एक वेरिएबल बना रहा हूँ लेट डी के नाम से, लेट डी इज इक्वल्स टू, मैं कर देता हूँ यहाँ पे आके 49। हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है इसी के अंदर, और वो होता है हमारे पास हमारा स्क्वेयर रूट। 49 का स्क्वेयर रूट क्या होता है, 7 हमारे पास 49 का स्क्वेयर रूट होता है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और मैं लिखता हूँ द स्क्वेयर रूट ऑफ मेरे डी की, डी द स्क्वेयर रूट ऑफ डी इज क्या होगा मेरा, मैं करूँगा मेरा एम डॉट एस क्यू आर टी के नाम से एक मेथड होता है स्क्वेयर रूट, ठीक है। और मुझे किसका स्क्वेयर रूट फाइंड करना है, मेरे डी वेरिएबल का, ऐसे ही है ना। जब ये किया मैंने और इसको आकर मैंने कर दिया है सेव और ब्राउजर में आया मैं, तो मुझे शो करवा देगा स्क्वेयर रूट ऑफ 49 इज 7। प्रॉपर से एक स्क्वेयर रूट हमें शो करवा दी है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे आके कोई 64 करता हूँ तो आई थिंक ये 8 का होगा हमारे पास यहाँ पे, ऐसी है तो उसने बता दिया द स्क्वेयर रूट ऑफ 64 इज 8। बट क्या होगा मैं यहाँ पे आके 50 कर देता हूँ, कोई एक है नहीं स्पेसिफिक है नहीं, इसका ये पॉइंट में आएगी हमारे पास वैल्यू ऐसी है। अगर मैं कंट्रोल एस करके आपको दिखाऊं तो द स्क्वेयर रूट ऑफ 50 इज ये 7 point something उसने हमें शो करवा दी है। अब ये पॉइंट में जो वैल्यू, मैं अगर इसको नहीं चाह रहा हूं तो मैं फिर क्या काम कर सकता हूं, स्क्वेयर रूट को ऐड कर सकता हूं अपने उस फ्लोर के साथ या सील के साथ, कर सकता हूं इनको ऐड। अब वो किस तरह से करते हैं, इन दोनों फंक्शन को एक साथ ऐड करने की कोशिश करते हैं। एम डॉट स्क्वेयर रूट डी है, मैं पहले डालूंगा अपना एम डॉट करूंगा एम डॉट और फ्लोर का हम लोग डालते हैं, फ्लोर नहीं बल्कि मैं सील डालूंगा, एक पॉइंट बढ़ा दूंगा मैं उसका, ठीक है, सील से एक पॉइंट बढ़ता है हमारा। एम डॉट सील करो, और मैं किसको सील करना चाहता हूं, मैं करना चाह रहा हूं मेरे एम डॉट स्क्वेयर रूट ऑफ डी,
सकता हूँ मैं पहले तो मैं उसको सील कर रहा हूँ, और मैं सील किस चीज़ को कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेरे स्क्वेयर रूट वाले फंक्शन को। उसके अंदर मैंने पास कर दिया मेरा डी का मैथ, डी वेरिएबल जो था, इसको मैंने जब आखिर कंट्रोल एस करके सेव किया और ब्राउजर में आया मैं, तो उसने मुझे शो करवा दिया है 50 द स्क्वेयर रूट वैल्यू ऑफ 50 इज 8। हमारे पास पहले 7 पॉइंट कुछ आ रही थी, उसने उसको सील कर दिया, एक पॉइंट बढ़ा दिया उस चीज़ का उसने। ऑब्वियस अगर मैं इसको फ्लोर करता तो उससे क्या काम करना था, मुझे 7 दे देना था। अगर मैं इस चीज़ को आकर करता हूँ मेरा फ्लोर, तो उसने क्या काम करना था, मुझे 7 दे देना था कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रैंडम फंक्शंस काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये तो सारी हमारे पास कुछ चीज़ें हो गई, हमारे पास क्या चीज़ है इसके अंदर जो मेनली एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास हमारे रैंडम मेथड्स। रैंडम अगर हमें अपने नंबर्स जनरेट करने हो जिनकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है आगे जाकर, आप अगर किसी भी लैंग्वेज से आए हो तो आपको उसके अंदर रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि बिल्ट इन होता है पहले से हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर भी वो एक रैंडम फंक्शन पड़ा हुआ है। मैं क्या काम करता हूँ, मैं आऊँगा और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यहाँ पे, और मैं एक सिंपल लिखता हूँ द रैंडम नंबर, द जनरेटेड रैंडम नंबर इज कुछ ये, और मैं लिखूंगा एम डॉट रैंडम करो इस चीज़ को, एक फंक्शन है उसको मैं कॉल करवाऊंगा यहाँ पे आके। सेव करेंगे इस चीज़ को ब्राउजर में आते तो द जनरेटेड रैंडम नंबर इज क्या है, पॉइंट में कुछ वैल्यू आई हुई है हमारे पास। अब जब जब मैं इसको रिलोड करूंगा इस पेज को, मेरी वो वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। रैंडम नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे आके, बट एक चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग पर बताई थी कि 0 और 1 इनके दरमियान में सिर्फ ये वैल्यू रहेगी। बाय डिफॉल्ट इसका ये मैथ, इसका जो है ये बिहेवियर है कि 0 और 1 के दरमियान में ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली हमें ये चीज़ फिर नहीं चाहिए, अगर सिर्फ 0 और 1 के दरमियान में रहकर रैंडम नंबर जनरेट करेगा। हम लोग चाहते हैं कि यार एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, एक एंडिंग पॉइंट हो, और उसके बीच में रहकर ही रैंडम नंबर जनरेट करें। हम लोग कुछ ऐसा का काम चाहेंगे यहाँ पे आके, ऐसे ही है ना। तो फिर हम लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे आके, कुछ अपना फॉर्मूला बनाएंगे। ऐसे चीज़ का कोई बिल्ट इन फॉर्मूला है नहीं हमारे पास यहाँ पे, थोड़ा सा अपना मैथ के लॉजिक अगर हमें कुछ आते हैं हम लोगों ने इनको यूज़ करके यहाँ पे आके बना देंगे अपने कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है। एक ही फॉर्मूला बनेगा, चेक करते हैं कि क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास यहाँ पे आके। तो लेट्स सपोज मैं क्या काम करता हूँ, मैं रैंडम नंबर्स जनरेट करना चाह रहा हूँ मेरे 1 से लेकर 50 तक, इनके दरमियान में रहकर उसको जो है रैंडम नंबर जनरेट करने चाहिए, ठीक है। तो आते हैं कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और इधर आकर मैं करता हूँ द जनरेटेड रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 and 50 इज। अब इसके ऊपर आ जाते हैं और क्या होंगे वो जनरेटेड रैंडम नंबर्स, जरा मैं इनको करके देखता हूँ। मैं बोलूँगा एम डॉट रैंडम, जो कि एक फंक्शन है, ठीक है। एम डॉट रैंडम बाई डिफॉल्ट ये हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे आके, ठीक है। एम डॉट रैंडम, और उसके बाद इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं मेरे रैंडम फंक्शन को जो है मल्टीप्लाई कर देता हूँ मेरे 50 के साथ, तो आई थिंक सो मेरे रैंडम नंबर जनरेट होते रहेंगे वहाँ पे। चेक करते हैं इस चीज़ को, एम डॉट रैंडम कहते हो इसको, मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ आके मेरे 50 के साथ कुछ इस तरह से। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं और चेक करते हैं, तो बिल्कुल मेरे रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आप लोग चेक करें, वन द जनरेटेड रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 5 इज 10.34। अगर मैं दोबारा से इसको आकर रिलोड करता हूँ, हाँ जी 5.82 आ रहा है हमारे पास। क्लिक करेंगे 10 पॉइंट आ रहा है, 15 पॉइंट आ रहा है, 43 आ रहा है, 5 पॉइंट आ रहा है, लेकिन वो 50 से ऊपर बढ़ेगा नहीं। बाई डिफॉल्ट वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और उसको मैंने एक एंडिंग पॉइंट दिया है मल्टीप्लाई बाय 50 से, कि आपने 50 से ऊपर बढ़ना नहीं। बहुत मैंने इजी सा फॉर्मूला डाला है यहाँ, दे सकते हैं बिल्कुल वहाँ पे, वो भी दे सकते हैं कि आप इतने से मल्टीप्लाई करके फिर उसको आप हमें रैंडम नंबर जनरेट करके दो। बट यहाँ पे वापस से वही चीज़ आ रही है कि हमें एक पॉइंट्स में वैल्यू दे रहा है रैंडम नंबर जनरेट करके, ठीक है। हम लोग ये नहीं चाहते कि पॉइंट्स हमें वैल्यू दे, तो हम लोग इसको फिर राउंड कर सकते हैं अभी, जैसे हमने अभी पीछे वाले के साथ किया था, ये फ्लोर वाले के साथ किया था, स्क्वायर रूट के साथ। हम लोग इसको भी फिर एक राउंड कर देते हैं। मैं क्या काम करूंगा, मैं पहले आऊंगा और इसको मैं दूंगा मैथ डॉट सील, एम डॉट सील। एम मेरा वेरिएबल है जो मैं ऊपर बनाया हुआ है, एम डॉट सील करो इस चीज़ को। और किसको सील करना चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ मेरा एम डॉट रैंडम को, जो कि मेरा फंक्शन है, मल्टीप्लाई बाय 50, सही है। ये कुछ हिस्सा से हमने काम कर दिया है, सेव करते हैं और ब्राउजर में आते हैं, तो बिल्कुल हमारा ये काम कर रहा है। रैंडम द जनरेटेड रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 50 इज 6, 17, 25, 19, 4, 11, 21, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास। जितनी बार मैं इसको रिलोड करूंगा यहाँ पे आके, उतनी बार क्या होगा, उतनी बार वो मेरे रैंडम नंबर्स को जनरेट करता जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस अब आप लोग जो इसको एक फंक्शन के ऊपर रख सकते हो,
इसी लॉजिक को आप लोग जो किसी भी एक गेम के ऊपर लगा सकते हो, जैसे कि आपकी जो डाइस गेम होती है उसमें रैंडम नंबर कहाँ से आ रहे होते हैं, 1 to 6। हम लोग यहाँ पे आके फिर क्या कर सकते हैं, इसको 1 to 50 जहाँ पर मैंने किया इसको 6 कर दो, यहाँ आएंगे उसने हमें क्या दिखाया, रैंडम नंबर जनरेटेड बिटवीन 1 and 50, फिर नहीं करूँगा मैं, क्या करूँगा 6 करूँगा, ठीक है। ये हुआ तो 6 उससे पहले मुझे शो करवाया, फिर उसने क्या शो करवाया, 5 4 5 4 6 4 4 1 3 4 3, ठीक है। तो क्या काम कर रहा है, उसी के अंदर रहकर वो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। अब्दुल हनान अब मैं उस पर आ रहा हूँ। अब होता क्या है, इस पर मैंने एक बार पहले भी बात की थी कि ऑब्वियसली हम लोग हर बार अपने नंबर्स जनरेट नहीं करना चाहेंगे रैंडम, हो सकते हैं हमारा जो है हमने एक ऐसा लॉजिक लाया कि उस बटन पर जैसे कोई भी क्लिक करता है तो हमारे रैंडम पैराग्राफ जनरेट हो जाने चाहिए। हो सकता है कि अगर इस बटन के ऊपर आपको कोई भी क्लिक करता है तो एक रॉक पेपर पेपर सीजर जो गेम है उसमें तीनों में से कोई एक चीज़ आनी चाहिए, रॉक या पेपर या फिर सीजर। हमारे पास अगर एक स्नेक गेम है उसमें फ्रूट्स हमारे पास आने चाहिए, वो कोई नंबर नहीं है बट वो फ्रूट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे देखो काम सारा हमारे इस नंबर के साथ, इस मैटर रैंडम के साथ ही होगा, बट हम लोग क्या काम करते हैं उसको लिंक कर देते हैं अपने HTML के साथ, जाकर HTML के उस एलिमेंट के साथ हम लोग उसको लिंक कर देंगे कि इस रैंडम, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आके मेरे इस एलिमेंट को आपने रैंडम जनरेट करना है, ना कि मेरे नंबर को रैंडम जनरेट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह से मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, अपना एक बटन बनाते हैं यहाँ पे आके, क्लिक मी का बटन पहले बना ही हुआ है खैर, और एक मैं कंटेंट मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे आके, कंटेंट के नाम से क्लास दी हुई है मैंने इस चीज़ को, इसको टारगेट करते हैं यहाँ पे आके, जरा डॉक्यूमेंट डोमेन प्लेसमेंट करते हैं थोड़ी सी। मैं लिखता हूँ मेरा लेट कंटेंट इज इक्वल टू मेरा करो डॉक्यूमेंट डॉट आके मेरा करो क्वेरी सिलेक्टर, और वो क्वेरी सिलेक्टर क्या है, डॉट कॉन्टेंट है, डॉट कॉन्टेंट हमने इसको सेलेक्ट कर लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अपना एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन बनाया मैं, और एक सेकंड मैंने क्या मेरे बटन को कोई क्लास दी हुई है, क्लास बीटी के नाम से मैंने उसको क्लास दी हुई है, तो मैं अपने बटन को भी ऐसे टारगेट करूंगा यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा मेरा क्लास बीटीएन, नहीं क्लास बीटीएन था उसका नाम, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया मेरा क्लास बीटीएन। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे तो हाँ जी क्लिक बीटीएन है, क्लास नहीं है क्लिक बीटीएन है वो, ओके मैं इसको क्लिक बीटीएन कर देता हूँ, फिर क्लिक बीटीएन, और यहाँ पे आके भी मैं कर दूंगा मेरा क्लिक बीटीएन, ठीक है। तो उसने टारगेट कर लिया इस चीज़ को। अब मैं आऊँगा मेरे फंक्शंस फंक्शन के ऊपर, और ये जो मेरा कॉन्टेंट है ना इसको मैं इसके अंदर मैं ऐड करूंगा वो मेरे रैंडम नंबर्स, और उससे पहले मैं मेरे इस बटन के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाऊंगा अपना, क्योंकि मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे, मैं बोलूँगा btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर करो, सबसे पहले क्लिक btn जो है हमारा, क्लिक btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर करो, ठीक है। और कौन सा इवेंट होगा, क्लिक का ऐड कर रहा हूँ मैं इवेंट इसके ऊपर, और ये हमसे दो पैरामीटर लेता है, पहला हमारा इवेंट का नाम और दूसरा हमारे फंक्शन का नाम जो आपने रन करना है। तो मैं मेरे फंक्शन का नाम जो है कर देता हूँ यहाँ पे आके जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, ठीक है, रैंडम नंबर्स के नाम से मैंने अपना एक फंक्शन बनाया है, कॉल करवा दिया मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल सी करके, मैं इसको जो है यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे नाम बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। कुछ इस तरह से कंटेंट को मैंने ऊपर एक्सेस किया हुआ है, मैं लिखूंगा यहाँ पे आके मेरा कंटेंट डॉट इनर HTML जो है आप उसको इज इक्वल टू कर दो मेरे इसके बैकटिक के, और आप उसमें क्या लिखो, द जनरेटेड रैंडम नंबर्स, द जनरेटेड रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 and 6 इज, एक मेरे पास टेम्पलेट लिटरल आ जाएंगे यहाँ पे आके, और मैं लिखूंगा मेरा मैथ डॉट सील करते हैं इस चीज को, और किसको मैं सील करूंगा, रैंडम को, मैं लिखूंगा m.random को मैं सील कर जनरेट करूंगा, और उसके बाद इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 6 के साथ, क्योंकि मैं 6 तक उसको रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। तो कंसोल में तो एक चीज़ मेरे पास आ ही रही है, पर मैं यहाँ पे आके जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हाँ जी द जनरेटेड रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 and 6 इज 3 6 1 2, क्लिक करते जाओ हमारे पास रैंडम नंबर्स यहाँ पे आके जनरेट होते जा रहे हैं, जब जब मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तब तक हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट होते जा रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों का जो मेनली हो सकता है जो लॉजिक आपका हो सकता है, ये जो मैं यहाँ पे आके मैंने कंटेंट अपना डाला हुआ है, आप लोग यहाँ मैंने जो कंटेंट एक वेरिएबल एक मेरे पास क्लास है कंटेंट के नाम से उसको मैंने एक्सेस किया है यहाँ पे आके, आप लोग क्या काम करोगे, आप उसको थोड़ी बहुत CSS दोगे अपनी CSS के अंदर जाकर, और उसके बाद आप क्या काम करोगे उसको जनरेट कर रहे होगे रैंडमली, कि वो एक रैंडम पॉइंट पर आनी चाहिए। आप अपने पूरे कंटेनर को टारगेट करेंगे यहाँ पे पहले, तो
और उस कंटेनर में आप रैंडम नंबर जगहों पर उसको क्लिक करते जाएंगे, जब जब क्लिक करते हो रैंडम नंबर पर। क्या हाँ, स्प्लैश, स्प्लैश प्रॉम की बात कर रही हैं? नहीं, वो इसके अंदर नहीं, रैंडम का इसके अंदर नहीं है, वो एक सेपरेट चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये रैंडम नंबर की सबको समझ आ गई, समझ आ गई सबको रैंडम नंबर्स की, आ गई समझ सबको? अच्छा जी, अच्छा अब एक और चीज़ ये है कि मैंने इसको इस मेथड से किया है, रैंडम नंबर्स मैंने जो जनरेट किए हैं वो कुछ इस मेथड से किए हैं। आप लोग अपने लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास वो एक तरह का फॉर्मूला था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, कुछ तरह का फॉर्मूला था हमारे पास, ऐसी है ना, ए प्लस बी इंटू होल स्क्वेयर था उसका। ठीक है, हम लोग कुछ उसका का भी फॉर्मूला यहाँ पे आके लगा सकते हैं रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए। लाइक मैं उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट दूंगा और एक एंडिंग पॉइंट दूंगा। अब यहाँ पर मेरा जो सीन है ना, मेरे में बाय डिफॉल्ट वन से ही स्टार्ट हो रहा है, हमेशा बाय डिफॉल्ट हमेशा वो वन से स्टार्ट हो रहा है कि वन से लेकर आगे वो सिक्स तक करता जा रहा है, या मैं उसको जितने भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा वो उतने नंबर उतने के साथ वो जनरेट करता जाएगा। बट क्या हो कि मैं 50 से लेकर 60 तक बीच में कोई जनरेट करना चाहूँ नंबर, तो हो सकता है ऐसा, बट यहाँ पर तो मैं वन से हमेशा डिफॉल्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर उसके लिए मुझे अपना एक और कुछ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे आके। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जरा उसको बनाकर चेक कर लेते हैं हम लोग कि उसका फॉर्मूला हो क्या सकता है। जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, वही मैं बात कर रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बट मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ कि क्या हो अगर आप बोलो कि 50 से 60 तक आपने रैंडम नंबर जनरेट करें इसके बीच में रहकर, तो फिर यहाँ पर तो बाय डिफॉल्ट जीरो से हो रहा है, तो मसला करेगा हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला, तो वहाँ पर आकर काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, हमें कुछ और फॉर्मूला बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो जरा मैं वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता हूँ कि वो फॉर्मूला होगा क्या। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, मेरा एक लेट करके आर वन मीन्स रैंडम नंबर वन इज इक्वल्स टू, मैं इसको करता हूँ 50 से स्टार्ट करूंगा मैं, लेट आर टू इज इक्वल टू, मैं इसको कर दूंगा 60 पर एंड कर दूंगा इस चीज को। ठीक है, और उसके बाद मैं आकर करता हूं मेरा लेट आर वन अंडरस्कोर आर टू। ठीक है, एक मेरे बस वेरिएबल का नाम है इज इक्वल टू। अब इसके इक्वल मैं सारा अपना लॉजिक लगा देता हूं कि लॉजिक मेरा क्या क्या होने वाला है यहाँ पे आके। ठीक है, तो मेरा लॉजिक कुछ यहाँ पे आके ये होगा कि पहले तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं R2 करूंगा जो मेरा 60 है, R2 माइनस R1 करूंगा मैं। अगर मैं R2 में से माइनस करूं R1 तो 60 माइनस 50 इंटू 10 कुछ हिस्सा का होगा। ठीक है, यहाँ तक अगर मैंने ये इस तरह का काम कर दिया है, उसके बाद मैं क्या काम करता हूँ, अगर मैं इस चीज़ को जो है मल्टीप्लाई बाय कर देता हूँ आकर मेरे मैथ डॉट रैंडम के साथ कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंने कुछ हिस्सा का काम किया है, और अब जरा चेक करते हैं कि कहता क्या है। मुझे कोई यकीन नहीं है, मुझे ना आपको गारंटी नहीं है कि काम करेगा हमारा कि नहीं, लेकिन चेक करते हैं कि कहता क्या है हमें ये। ठीक है, और इधर आते हैं जरा हम लोग आके, तो रैंडम नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास 18 45। नहीं, उसने वो बोला तो हमारा काम नहीं किया। हाँ, एक सेकेंड, R2 टू माइनस आर वन इंटू, और आई थिंक सो फिर मैं इसको जो है ऐड भी करूँगा। फिर अगर मैं इसको जो है एक ब्रैकेट के अंदर रख देता हूँ, R2 टू माइनस आर वन, नहीं इसका ये फिर फॉर्मूला नहीं बनेगा हमारे पास, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा इसका। फिर अगर मैं कहता हूँ इस चीज़ को R2 टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन इंटू, इन सबको एक अगर मैं एक ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं इसको प्लस कर देता हूँ मेरे मैथ डॉट रैंडम के साथ कुछ इस तरह से, और एक मिनट अगर मैं उस चीज को जो है माइनस करते हैं, एक सेकेंड, आर वन को प्लस करते हैं अगर हम लोग रैंडम के साथ जाकर, R2 टू माइनस आर वन प्लस मैथ डॉट रैंडम, बट ये इस तरह से काम नहीं करेगा हमारा, 10 में ही आ रहा है वो हमारे पास, 10 10 10 10, वो सिर्फ एक ही तरह की वैल्यू दे रहा है यहाँ पे हमें। ठीक है, वो सिर्फ 10 के अंदर रहकर ही हमारा सारा का सारा काम कर रहा है। खाली R1 वन प्लस मैथ डॉट रैंडम आप कह रहे हैं, तो अगर मैं ये करता हूँ तो 50 फिर 50 ही रहेगा, एक मिनट, अगर मैं R1
ये हमारी रेंज जो है वो 50 से स्टार्ट हो रही है, और इसको जो है मैम प्लस कराओ, अगर मैं इसको हाँ इस तरह से अगर कुछ लॉजिक लगाएं हम लोग 60 के साथ, अगर मैं आकर इसको अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 16 में 2 करूँगा ना, आर 2 कर देता हूँ इसको, मैं चेक करते हैं इस चीज़ को आके 103। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा इसका कुछ और लॉजिक लगेगा, आर वन प्लस मैथ डॉट रैंडम और मल्टीप्लाई बाय आर टू, ना इस तरह का काम नहीं होगा हमारे पास। अगर मैं कहता हूँ मेरा मैथ एम डॉट रैंडम एक तो ये, उसके बाद उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ मेरे किसके साथ आर टू माइनस आर वन 6 और 9, ठीक है वो उन 10 नंबर्स के दरमियान में रहकर कर रहे हैं, आर टू को आई माइनस कर रहे हैं। हाँ ये इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनके साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ आगे जाकर 10 के साथ भी 20 52, ना ना ऐसा नहीं होगा हमारे पास ये। पीछे बॉयज भी जो है वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर्मूला बनाने में हमारा। फॉर्मूला क्या बना रहे हैं, फॉर्मूला बताएं जरा मुबशिर, फॉर्मूला बताएं ना यहाँ पे आके कि आप क्या फॉर्मूला जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। टू मोबाइल मल्टीप्लाई क्या बनाने की कोशिश करें बताएं तो। जी अब्दुल हनान नहीं बना बनाएं बताएं, मैंने बनाना है। ओके जी तो फिर अगर मैंने ही बनाना है तो जरा फिर मैं इसको और कुछ देखता हूँ। आई थिंक सो, चेक करते हैं पॉसिबिलिटी तो चेक करनी है हमने। अगर मैं इसको प्लस करूँ मेरे 50 के साथ 50, ये कुछ काम कर रहा है हमारा यहाँ पे बन गया ना, ये सारा सिर्फ आपके कहने पे सीमल ने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, बिल्कुल सीमल फारिग है, आपने सारा काम किया। अब्दुल हनान के तालियां बजाओ सारे, सबसे पहले बजाओगे ठीक है, गुड अब्दुल हनान आपके कहने पर सब कुछ हो गया यार, पहले बोल दिया करो आप ठीक है। हाँ जी तो याद रख हमने फॉर्मूला अपना बनाया था कि मैट और रैंडम को मल्टीप्लाई किया हमने पहले तो आर टू माइनस आर वन के साथ, तो उसने वो क्या काम किया 60 माइनस में से उसने 50 माइनस कर दिए, वो हो गया हमारे पास 10। तो उस पर वो क्या काम कर रहा था, 10 के अंदर रहकर रैंडम नंबर जनरेट कर रहा था। देन उसके बाद हम लोगों ने उसको ऐड कर दिया 50 के अंदर, जो वैल्यू आएगी उसको हमने 50 के अंदर ऐड कर दिया, तो फिर उसने हमारा वो 50 और 60 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट किया। तो अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, इसको भी राउंड कर सकता हूँ फिर आगे जाके, क्योंकि अभी ये जो आकार आ रही है पॉइंट्स में आ रही है हमारे पास ये वैल्यू, हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग इसको एम डॉट राउंड कर सकते हैं या एम डॉट सील या फ्लोर भी कर सकते हैं आप लोग, और आर वन अंडरस्कोर आर टू वाला वेरिएबल कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को पास कर, क्योंकि किसी वेरिएबल की कुछ सब कुछ चीज़ें आ रही है ना हमारे पास। सेव हाँ जी 52 59 59 51 52 54, हाँ जी प्रॉपर ही हमारा आप हर एक चीज़ वर्किंग में है। और मैं इसकी जगह आकर आर टू अगर करता हूँ आर टू, और अब मैं अगर यहाँ पे आके कुछ अपने और नंबर से 40 करता हूँ और इसके ऊपर आकर मैं 90 करता हूँ, 40 और 90 के दरमियान में रहकर अब ये चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं इसने फिर भी एक मसला किया है हमारे साथ के 40 और 90 के दरमियान वो मल्टी नहीं कर पा रहा उसको, अगर मैं इसको खाली 50 ऐसे ही पास कर देता हूँ तो वो फर्क कर रहा है 55 99 के ऊपर भी पहुँच रहा है। एक सेकेंड तो ये फिर काम नहीं करेगा ना हमारा हर जगह पर, ये फिर हमारा हर जगह पर काम नहीं करेगा। हाँ अगर हम लोग लाइक यहाँ पे आके 50 कर देते हैं, अब अगर ये 40 और 50 के दरमियान में करता है तो इधर आकर अगर मैं एक मिनट रुके ज़रा, हाँ ये बट
ये जो काम कर रहा है हमारे पास मेनली ये 10 का डिफरेंस रख के हमारा सारा सारा प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। खैर ये हमारा फॉर्मूला फिलहाल के लिए काम में है, आर टू माइनस आर वन, बट हम लोग अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट भी तो दे रहे हैं ना। अगर आप ये बात कर रही हो आर टू, अगर इसकी जगह मैं 10 कर देता हूँ, मैं जो रैंडम को मल्टीप्लाई करो 10 से प्लस 40 करते हैं आप, 49 41 46 42 हमारे पास ये कुछ चीज़ें आ रही हैं। वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ 70 40 टू 70 46 नहीं सीमल नहीं कर रहा, चेक तो करें नहीं कर रहा, हमारा मेली वो डिफरेंस सिर्फ 10 का ही रख रहा है यहाँ पे इस चीज़ का। अब्दुल्हनान फिर कुछ बात कर दें यार, शायद हो जाए हमारा, हो जाएगा नहीं, आपकी दुआ नहीं काम आती उनकी आती है यार। अब्दुल्हनान दुआ करें यार, रैंडम नंबर जनरेट करना है हम लोगों ने, दम करें दम दरूद करें। मैं दुआ नहीं, मुझे आती है दुआ, आप सिखाएं यार। इस वजह से हो रहा था क्योंकि हमारा जो रैंडम नंबर वो जनरेट सिर्फ 0 से 1 तक कर रहा है, वो बाय डिफॉल्ट 0 से 1 तक कर रहा होता है ना। बाय डिफॉल्ट का ये है कि वो 0 से 1 तक बाय डिफॉल्ट रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होता है, हमें उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जनरेट करवाने हैं ना यहाँ पे आके, इसलिए ये कुछ इशू कर रहा है हमारे साथ यहाँ पे। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, कुछ अपना और तरह का फॉर्मूला अगर लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, क्या फॉर्मूला सिर्फ मैं ही ढूंढना है, आप लोगों को ढूंढना नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला ढूंढे इस चीज का क्या हो सकता है इसका हमारे पास जो फॉर्मूला। अच्छा एक मिनट रुकें जरा, अगर जो है मेरी स्क्रीन आ रही है सबके सामने या हिल गई है, आ रही है ना। अच्छा जी, अगर मैं इसको एक नया फॉर्मूला जनरेट करते हैं, अब्दुल हनान दुआ की, आप कोड क्यों कर रहे हो, दुआ करो। हाँ अच्छा, तो ये कुछ सीन है हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं इस चीज़ को आकर कर देता हूँ मेरा आर वन, जो कि मेरे पास फर्स्ट वाला है, अगर मैं आर वन को प्लस कर देता हूँ मेरे एक ब्रैकेट के साथ जो कि होगा R2 माइनस R1, R1 मींस 40 प्लस इनटू 50 माइनस 40, हमारे पास कुछ ये लॉजिक है। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे M डॉट रैंडम के साथ कुछ इस तरह से, और काफ़ी है ये, मैं ज़रा चेक करता हूँ, इसको 48 आ रहा है, 49 50 और ये अराउंड भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इसको डिफरेंट वैल्यूज देता हूँ, कोई 20 23 से 50 तक देते हैं, सेव करते हैं, 36 32 24 47 ये काम कर रहा है हमारा यार। इसकी फिर से बजाओ जरा तालियां बॉय के लिए, भाई आप बजा नहीं रही हो यार, जेलस हो रहे हैं सारे आपसे, ठीक है। तो अब इस जरा फॉर्मूला को चेक कर लो आप लोग, ये फॉर्मूला हमने बनाया किस तरह से अपना यहाँ पे आके, मैं वही बता रहा हूँ अभी, मैंने सिर्फ बनाया है फॉर्मूला, बनाया था अब इसको चेक बना रहा ना बता रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास है आर वन, हमारा यहाँ पे आके आर वन क्या चीज़ है, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, हमारे पास आर वन है, लेट सपोज 20, ठीक है 20 हमारे पास जो है आर वन, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया, हमने एक डीमैश रूल पढ़ा था, डीमैश क्या था, डीमैश नहीं बोर्ड मैश हमने पढ़ा था, बोर्ड मैश था, ब्रैकेट्स पहले ब्रैकेट्स वाला हो जाता है, नहीं पढ़ा यार, किस स्कूल से पढ़े हो, बोर्ड मैथ्स नहीं पढ़ा था किसी ने, हाँ बोर्ड मैथ्स हमने पढ़ा था जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स वाला से काम हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ उसी तरह का सीन है, यहाँ पे हमारे पास वो क्या काम कर रहा है, आर टू माइनस आर वन फर्स्ट ऑफ ऑल कर रहा है, मीन्स 50 माइनस 20 उसने पहले कर दिया, ब्रैकेट्स के बाद उसने क्या काम किया, उसने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बोर्ड मैथ्स में वही आ जाती है ना, तो ब्रैकेट्स के बाद इसने हमें यहाँ पे आके जो वैल्यू दी वो दी उसने 30 हमें
30 को मल्टीप्लाई किया बाय किया उसने उस जीरो के साथ, जीरो और वन के बीच में जो रैंडम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा पॉइंट में आ चुके, और उसके बाद उसने क्या काम किया है, उसको ऐड कर दिया है 20 के साथ जाकर, उसके अंदर मीन्स उसने 20 को ऐड कर दिया यहाँ पे आके, ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या काम किया है, अब अगर इसको और उसके बाद हमने राउंड जो किया हुआ है, हाँ फिर वो हमारे रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। अगर मैं इस चीज़ को जो है करता हूँ कोई 60 मेरा आ सकते हैं ये 90, दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास यहाँ पे आके, और 73, 90, 76, 60, 90, हाँ ये हमारा अब प्रॉपर वर्किंग में है ये। तो हमने कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनाना था, ठीक है, 60 to 100 अगर जनरेट करना है तो हम लोग वो कर सकते हैं 60 to 100। तो अब वो क्या काम करेगा, 78, 72, 60, 61, 76, 98, 89, तो हमारे पास प्रॉपर वर्किंग में है ये सारी चीज़ें। और ये फॉर्मूला कोई एग्जिस्ट नहीं करता, हमने अपना फॉर्मूला बनाया है यहाँ पे आके, ऐसा नहीं कि आप लोगों को ये रटने की ज़रूरत है इस फॉर्मूला को, आप लोग अपना लॉजिक लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बट इस फॉर्मूला की समझ आ गई हमें क्या क्या कर रहा है ये फॉर्मूला हमारा, उसना बेटा क्या कहा आ रही हैं, रैंडम नंबर में 60 और 100 नहीं आ रहे हैं हम लोग इसको फिर कर, आई थिंक आ रहे थे यार वो कि नहीं आए थे हमें पता नहीं ना चल रहा कि वो 60 आया था यार, अभी 60 आया था, 60 और 100 आए थे उनके बीच में ही रहकर वो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, आ रहे हैं वो भी, ठीक है। तो समझ आ गई फॉर्मूला की, आ गई समझ, और जो है ये सारा क्लियर हो गया, पूरा मैथ का ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे, इसका ऐसे हमारे पास ज़्यादा यूजेज नहीं है, ये मैट और रैंडम का हमारे पास यूजेज है, ठीक है, हम लोग इसको फिर मेनली आगे जाकर यूज करेंगे। रैंडम मेथड्स, रैंडम मेथड हमारे पास इस तरह के वहाँ पर यूज़ हो सकते हैं जहाँ पर जो है आप, आपके पास अगर एक वेब एप्लीकेशन है रैंडम टेक्स्ट जो को जनरेट कर, रैंडम पैराग्राफ को जनरेट कर रही है, आपने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है कि उसके ऊपर जो है आप रैंडम टेक्स्ट देते हो यूज़र को, जैसे किसी कोई भी यूज़र आकर इसके ऊपर क्लिक करता है बटन के ऊपर एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट होते हैं, आप वहाँ पर इसको यूज़ करते हो, और इस तरह की एप्लीकेशन अक्सर होती हैं हमारे पास यहाँ पे, वहाँ पे आके इसको यूज़ करो। और गेमिंग में तो इसका बहुत ज़्यादा काम है, गेम्स में जैसे कि अगर आप लोगों ने वो अपनी देखी हो टेकन टैग, सबने खेली टेकन टैग, सबने खेली होगी, पीछे बस बात है आपने तो नहीं खेली होगी, टेकन टैग हमने खेली थी, उसके अंदर क्या सीन होता था हमारे पास, दो प्लेयर्स थे हमारे पास, वहाँ पे जाके होता ये था कि अगर दो प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं, एक प्लेयर जो है वो क्या काम करता है कि कुछ उसकी पावर कम हो जाती है वहाँ पे जाके, तो क्या होता है रैंडमली खुद दूसरा प्लेयर आ जाता है। अगर हम लोग किसी कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं, या तो दो प्लेयर्स खेल रहे हैं ना आपस में, अगर हम लोग किसी मशीन के साथ खेल रहे हैं क्या होता था, सेकेंड प्लेयर आपस में खुद ही रैंडम आ जाता था जैसे उसकी पावर थोड़ी सी कम होती थी जाके, तो उन्होंने एक तो कंडीशन डाली होती वहाँ पे, इफ़ पावर इज़ लेस देन दिस देन आप उसको रैंडमली आगे लेकर आ जाओ, किसी दूसरे एलिमेंट को आगे लेकर आ जाओ आप, तो कुछ क्या कह रहे हो, फिर नहीं जाने देता, ठीक है, इसकी समझ आ गई हम सबको, क्लियर है। खैर अब तो ये भी चीज़ हो रही है कि लोग गेमिंग जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी मैं एक गेम बना रहा हूँ इसके थ्रू ही, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, आपने वो गेम खेली है, आई थिंक अब तो होती नहीं है, पहले कीपैड वाले मोबाइल में होती थी वो गेम, जिसमें जो होता था आप अपना एरोप्लेन वाली गेम होती थी, वो जो है गोलियां मारता था और वो सारे के सारे जो आके उसके होते थे एनिमीज वो उससे मरते थे, आई थिंक ये टच स्क्रीन में नहीं होती है, कीपैड वाले मोबाइल में होती थी पहले, काफ़ी पहले, वो मैं गेम बना रहा हूँ इसकी JS के थ्रू। इसकी तरह की जितनी भी चीज़ें ना, जितने भी आपके लॉजिक्स होने वाले वो इसके थ्रू होने वाले हैं सारे, इस पर थोड़ा सी अपनी कमांड अच्छी कर लो। चैट मैंने बनाई थी एक, तो मैं आपको उसका कोड दिखा देता हूँ। ओके जी, हाँ वो मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में किसी और का लैपटॉप यूज़ किया था, वो उसमें इंस्टॉलेशन दी थी चीज़ें, github.com, और मैं यहाँ पे आके अपना लॉग इन करता हूँ, और क्या है हीपवेयर नहीं हारिस अली, अच्छा जी यहाँ पे आके जरा मैं चेक करता हूँ, मेरे चैट एप्लीकेशन, लेट्स चैट एप्लीकेशन है यहाँ पे हमारे पास एक, ठीक है, और ज़रा इसको जो है ना मैं इसको जो है डाउनलोड जिप कर देता हूँ इसका क्लिक करके, ताकि मेरा ये सारा का सारा कोड जो है वो डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड ठीक है हो गया डाउनलोड हमारे पास, ओपन करते हैं इस चीज़ को, और मैं इसको यहाँ एक जिप फाइल है डाउनलोड के अंदर पहुँचते हैं हम लोग कंप्रेस्ड, और ये है मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आके, एक्सट्रैक्ट हियर,
ओके जी, ये है, इसको जरा ओपन कराओ। ये बेसिकली इसके अंदर बैकएंड भी यूज हुआ है सर्वर का, इसके अंदर नोड जेएस काफी यूज हुआ है, उसका यूजेज काफी है, सारा सारा काम बैकएंड के थ्रू किया है हमने। टर्मिनल के ऊपर मैं जाऊंगा इधर, और इसके अंदर क्योंकि मुझे मेरे नोड मॉड्यूल्स लेकर आने हैं, जरा इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट जो है बिल्कुल एंड पर है, इसके बेसिक्स बिल्कुल एंड पर हैं, फिर हम लोग इन एडवांस चीज़ों के ऊपर जाएंगे। npm इंस्टॉल आगे बताऊंगा ये क्या चीज़ है, बस इससे मेरी सारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं, और ये तब काम करती है जब आपके पास इंटरनेट होता है तो, ठीक है। तो ये सारी सारी मेरी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा, यहाँ पे मैं पैकेज और जैसे जाकर चेक करूंगा कि ये डेफ के थ्रू स्टार्ट हो रही है मेरी एप्लीकेशन, ये ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई गो लाइव का बटन नहीं होता, जब भी आप लोग आगे जाके काम करोगे ना, हमारी HTML का काम जो है ना यहाँ तक खत्म होता है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग पर चीज़ बताई थी कि जब हमें आगे मर्न के ऊपर प्रॉपर काम करना है, कोई भी हमारी डॉट HTML की फाइल बननी नहीं है, सारी फाइल्स डॉट JS की बननी है हमारे पास। यहाँ पर हर एक चीज़ आपको, ये लॉजिक आपकी बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद जाके आप वो काम कर पाओगे। मैं करूँगा npm रन मेरा और डेफ, और एंटर करते हैं इस चीज़ को, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास यहाँ पे। लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके दिखाऊँ मेरा लोकल होस्ट कॉलन 3000 और मेरा एंटर करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ ये मैं आपको बता रहा था, एंटर द नेम टू ज्वाइन चैट, क्या यूज हुआ यहाँ पे, प्रॉम्प्ट था हमारे पास, ये चीज प्रॉम्प्ट यूजर का जो है एक इनपुट लेता था हमारे पास, और एक बंदे ने ऐड किया हारिस के नाम से, एक बंदा है उसने जो है ओके किया, ओके हो गया, ठीक है। लेट्स सेट हमारी एप्लीकेशन, यहाँ पे आके अपना मैसेज सेंड करो। मैं अपना एक और इनकॉग्निटो मोड ऑन कर रहा हूँ, और वापस लोकल होस्ट कॉलन 3000 के ऊपर चलते हैं, और इधर आकर इस बार अली को लेते हैं, हारिस और अली आपस में चैट कर रहे हैं, ओके करते हैं, और मैं दोनों को साइड बाय साइड ओपन करता हूँ। यहाँ पे आके यहाँ आया मैं, और ये कौन सा मेरा है, ठीक है, और इधर आ जाएं ज़रा, इसको ज़रा है ना मैं नीचे रखूँगा मेरे इस मीटिंग को, ठीक है, और इसको जो है थोड़ा सा छोटा करते हैं, ताकि जो है साइड बाय साइड खुल सके मेरी ये सारी सारी चीज़ें। हाँ जी, ये ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा, बस इतना, ठीक है। ये तो मैं क्या आके मैसेज करता हूँ, हेलो अली, और एंटर। हेलो अली, ये हारिस ने मैसेज सेंड किया, हेलो अली, उसके पास मैसेज आया, हारिस ने एक मैसेज सेंड किया आपको, हेलो अली, ठीक है। उसके बाद ऊपर आओ, और मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आके अब लिखता हूँ, हे हारिस, हाउ आर यू, ठीक है। ये अली ने सेंड किया मैसेज यहाँ पे आके, और ये हारिस को उससे सेंड किया, अगर ये हारिस के पास आ गया, अली ने उसको मैसेज भेजा हुआ, नहीं रैंडम नहीं हो जाएगा, एक प्रॉपर यहाँ पे आके बना हुआ है एक, वो जो आपके व्हाट्सएप के अंदर एक ऑप्शन आया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, रूम, व्हाट्सएप रूम जो बना हुआ है, व्हाट्सएप रूम होता है, मैसेंजर रूम होता है आपका, ठीक है। उसमें क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास, कि एक रूम के अंदर आप रैंडम बंदे जाकर चैट करते हैं, एक पूरा का पूरा ग्रुप हो सकता है वहाँ पे, उसमें लोग चैट कर सकते हैं, ये कुछ उसी तरह का रूम है। अब जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे ना, वो इस रूम में ऐड होते जाएंगे, अगर यही सर्वर किसी और एक टैब पे चल रहा है ना, तो एक तीसरा बंदा भी यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा इस रूम के अंदर। लेट्स सपोज एक, देखो अभी ये काम जो चल रहा है ना, ये लोकल चल रहा है ये काम, ठीक है, लोकली चल रहा है, सिर्फ इस डिवाइस के ऊपर चल रहा है। अगर मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, हाँ, फिर ये काम करना पड़ेगा, उसको लॉगिन सिस्टम देना पड़ेगा। अब मैंने लॉगिन वाला कोई सिस्टम इसका बनाया नहीं है, मैंने सिर्फ उसका नाम पूछा है और उसके थ्रू उसको यहाँ पे लॉगिन कर दिया, क्या आप ये बात कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ आता हूँ, और मैं यहाँ पे आके बोल देता हूँ, एक नया लोकल होस्ट करते हैं, लोकल होस्ट कॉलन 3000, इस बार करते हैं अहमद, ठीक है, और ओके करते हैं। इस बार ये चैट कौन कर रहा है, अहमद, और मैं इसको आकर बोल देता हूँ, हे गाइस, ठीक है, एंटर। अहमद मैसेज सेंड किया हे गाइस का। अब ये जो मैसेज है, ये तीन, देखो तीन यूज़र कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्टेड तीन यूज़र, वो शो करवा रहा टर्मिनल के अंदर आकर। अगर अब मैं मेरे इस इनकॉग्निटो मोड के अंदर आता हूँ या कहीं भी आता हूँ, हे गाइस, ये अहमद वाला है, हाय, ये अहमद वाला है, ये अहमद की तरफ से आ गया हे गाइस एक बंदे के पास, और एक इनकॉग्निटो में भी आ गया होगा हे गाइस, ये सारे आ रहे हैं, हारिस अली अहमद। यार देखो मैं वही बात कर रहा हूँ, ये जो काम हो रहा है ना, लोकल काम हो रहा है, लोकली काम हो रहा है। अब अगर इस चीज़ को डिप्लॉय किया हो हमने किसी एक लाइव अपने एप्लीकेशन के ऊपर, लाइव किसी होस्ट के, इसकी होस्ट की और डोमेन बाय की हो, उसके बाद क्या काम होगा, उसके बाद उस बंदे के पास ये लिंक होगा, वहाँ पे अपना लॉगिन करेगा प्रॉपर, तब जाके वो इस रूम के अंदर ऐड हो सकता है,
बना हुआ है वो ऐड नहीं हो सकता। अब यही आप लोग अगर लोकल हाउस 3000 के ऊपर जाओगे आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि ये सिर्फ इस डिवाइस के ऊपर है। अगर मैंने इसको डिप्लॉय किया होता तो फिर उस लिंक के ऊपर अगर कोई भी जाता तो वो आपस में चैट कर सकता था। ठीक है, मैं आपको डिप्लॉयमेंट सिखाऊंगा इंशाल्लाह कि डिप्लॉयमेंट किस तरह से होती है। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक क्या काम करेंगे, सैटरडे को हम लोग अपनी जेस को कवर करेंगे सारी, संडे को हमारी रिएक्ट स्टार्ट होगी। और हाँ, मैंने इतनी बार बोला कि ये बेसिक्स हैं उसके, सिर्फ जावास्क्रिप्ट के ये बेसिक्स हैं। हमने सबके स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं, सेंटेक्स हमने सबके देख लिए, जो तो हम लोग इतना यहाँ पे आके काम कर रहे थे ये सिर्फ उनका सेंटेक्स था हमारे पास यहाँ पे। अब मेनली चीज़ें आ रही हैं आगे हमारे पास कि आगे हमने उनको किस तरह से एडवांस लेवल पर लेकर जाना है। जो कॉल बैक्स में बार बार बात कर रहा था, जो सिंक्रोनस एसिंक्रोनस की बार बार बात कर रहा था, उन पर हमने आगे काम करना है। सारी आगे हमारी जावास्क्रिप्ट थी, ठीक है, बट थोड़ी एडवांस लेवल की प्रॉपर। अब हम लाइक हमें प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, अब हमारा कोई ये काम नहीं होगा कि हमने अपना यूआई सेट करना है, अब हमें जो है प्रॉपर फंक्शनैलिटी सेट करनी है उसकी अपने रिएक्ट के थ्रू जाके। ठीक है, ओके हो गया, कोई मसला इसके अंदर आएगा किसी को भी? सर एक क्वेश्चन आई है, मैसेज डिलीट कर सकते? ये मैसेज मैंने कुछ ऐसा कर इसमें मैसेज किया है ना जो कि डिलीट करने की जरूरत पड़े मुझे, मैंने साफ मैसेज किया हुआ है इसलिए वो जरूरत नहीं डिलीट करने की। हाँ, मैंने इतना अच्छा भी मैसेज ना कि एक लाइक भी किया जाए, लेकिन केयरफुल फंक्शनैलिटी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की हुई है। वो फंक्शनैलिटी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया तो वो यहाँ पे हो नहीं सकता। सिर्फ यहाँ पे दो यूजर आपस बात कर सकते हैं या एक ग्रुप में रह कर सब बात कर सकते हैं, और कुछ हो सकता है इसके अंदर फिलहाल। इसका भी था आंसर, उसको मिल ही गया होगा। ठीक है, इसका था वैसे क्या है? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। मैं अपनी डिवाइस यूज कर रहा हूँ आज, बहुत मुश्किल है, खोलनी पड़ेगी। कौन सा? हाँ ये एक टेक्स्ट एरिया यूज किया हुआ है, इतने कमाल के क्वेश्चन कैसे आते हैं यार आपको? बहुत अच्छे क्वेश्चन। मैं शुरू हो गया, एक आउट भी हो गया। किसने मैच देखना? आप लोग देखते हो मैच? किसका पासवर्ड बता रहे? पाकिस्तान और इंडिया का मैच किस बैटिंग किया है? आउट कौन है? मैं भी जरा चेक तो करूं यार, क्योंकि नीचे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं और मेरे ही बेटे के मैच हमें स्टार्ट करना था, तो बुलाने उनको। खैर मुझे पहले ये बताओ मैच की बात बाद में है, ये क्लियर हो गया सबको? वो इसके अंदर है ही नहीं यार, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, वो फंक्शन है लेकिन वो जावास्क्रिप्ट के अंदर है ही नहीं। वो आई थिंक कोई और लैंग्वेज है, वो जेएस नहीं है, मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट वो जेएस नहीं है। जावा या जावास्क्रिप्ट का